अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मैं हूं आफताब खंड और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर खंड व्लॉग्स। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो यार काफ़ी दिन के बाद व्लॉग इसलिए आ रहा है क्योंकि ना मेरी बाजू का थोड़ा इशू हो गया था, तो मोबाइल पकड़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल था और पेन होती थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, थोड़ा थोड़ा पेन तो है लेकिन सही है। तो अभी मैं यार जूती सिलाई करवाने के लिए जा रहा हूँ, वो हो गई थी ख़राब, टूट गई है थोड़ी सी, और बाइक धुलवानी है, एक दो काम है वो करने हैं और बुरे वाला जा रहा हूँ, वहीं से होंगे सारा कुछ। और चलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। एक जो जहाँ से पहले बाइक धुलवाई थी ना वो तो दुकान ख़त्म हो गई, अभी उसी की तरह की एक नई दुकान है, वहाँ पर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको चल के ओके बाइक कैसे वॉश करते हैं और एक्सेट्रा, जूती भी सिलाई करवाते हैं। चलते हैं बुरे वाला, फिर वहाँ पर चल के आपसे बात करता हूँ। तो यार अभी अली भाई मेरे साथ आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं जी पेट्रोल डलवाने के लिए। जूती जो थी वो मोची को दे दी है और बाकी जो है ना वो अभी पेट्रोल डलवाना है, उसके बाद घी लेना है शॉप से ऑयल, और फिर जो है ना वो जाना है जी बाइक धुलवाने के लिए। और हो सकता है स्कूल में भी चक्कर लगा लूँ अगर स्कूल खुला हुआ, नहीं तो फिर किसी दिन चलेंगे स्कूल। और अभी पहले पेट्रोल डलवाते हैं और पेट्रोल डलवा के आपके पास पेट्रोल है ना वो डलवा लिया और अभी जा रहे हैं स्कूल की तरफ। देखते हैं स्कूल ओपन है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑयल लेते हैं घर पकाने के लिए, चाहिए ख़त्म हो गया था वो, लेके फिर जूती वापस लेते हैं और बाइक डलवा के फिर चलते हैं घर। और अभी बस पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे एक प्लाजा है उसमें खड़े हुए हैं और यहाँ पे कोई ना मतलब कि बारिश हो रही है तो उस वजह से यहाँ पे खड़े हो गए हैं। और अभी जूती वगैरह लेनी है, ऑयल वगैरह ले लिया था, ये आप लोग देख सकते हैं पीछे बाइक के साथ लटका हुआ है। बाकी अभी बारिश रुकती है तो चलते हैं जूती लेते हैं, बाइक वॉश करवाते हैं, बाइक आज रहने देंगे क्योंकि बारिश हो रही है, बस फिर चलते हैं सीधा घर जूती लेके, बारिश रुकती है। क्या ना वो रुक चुकी थी, हम लोग जो है वो बारिश में ही चल पड़े थे कि हम घर पहुँच जाते हैं बारिश में नहाते नहाते, लेकिन जो है ना बारिश रुक गई है और यहाँ पर तो तकरीबन रोड भी खुश हो गया, थोड़ी सी बारिश हुई थी। और अभी मेरा चिप्स खाने को दिल किया, चिप्स लिया, बाइक जो है वो आज नहीं धुलवाएंगे क्योंकि जो है ना पीछे से बस आ रही है, तो बाइक नहीं धुलवाएंगे यार, बारिश थी और गंदी हो जाएगी, दोबारा अगर धुलवाई दो। और बाकी अभी घर चलते हैं, अगर जाके आपसे बात करता हूँ, आज की भी आपको नहीं समझ आ रही होगी क्योंकि ट्रैफिक का शोर है, तो बस अभी घर चलते हैं और फिर वहाँ पर चल के आपसे बात करूँ, रास्ते में आपको दिखाऊँगा अगर कहीं बारिश वगैरह ज़्यादा हुई तो। तो यार मैं काफ़ी देर का घर आ चुका था और अभी हम जा रहे हैं ट्रैक्टर स्टार्ट करवाने के लिए, चाचू और मैं हैं ये चल बैठे हुए हैं और चलते हैं वहाँ पे ट्रैक्टर चल के स्टार्ट करते हैं और आपके भी दिखाते हैं जब गांव में ट्रैक्टर पहुँच जाए तो फिर कैसे। ये भी हमारे खिदर साहब हैं और ये पानी भरने के लिए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं मुझे व्लॉग में लेके आता, मैंने कहा चलो ले आता हूँ। जो है ना ट्रैक्टर जो है वो इस ट्रैक्टर के पास पहुँच चुका है, अभी इसको टोचन डालेंगे वो पीछे, और इसकी ना बैटरी डेड हो गई थी और ये बंद हो गया था, तो फिर इसे स्टार्ट करते हैं और फिर घर चल के हल वगैरह भी चलाने हैं वो भी आ जाते हैं। मैं ना चाचू चलेंगे ज़मीन में और मैं ट्रैक्टर लेके घर जा रहा हूँ, वहाँ से हल लेके फिर ज़मीन में आना मैंने, और फिर आपको दिखाते हैं हल चलाते हैं। और वैसे बारिशें हैं तो जल्दी जल्दी से हल चला के थोड़ी बिजाई करें, बाकी तो इंशाल्लाह 11 तारीख के बाद ही होगी जब बारिशें ख़त्म होगी। कटिंग शटिंग भी करवा लिया, देख सकते हैं आप बड़ी खूबसूरत लग रही है। और अभी मैं आया हूँ 261 से, कल खत करवाएंगे और दाढ़ी भी थोड़ी हल्की करवाएंगे, और अभी मैं नहा के फ्रेश होता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो यार आज के ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं, जाते जाते मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।